नमस्कार, मैं आरके सक्सेना मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आज आपकी तारीख है 15 अक्टूबर 2024। तो हमारी बेटियों को बहुत समय से इंतजार था कि सर पीएनएसटी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, एएनएम 2024 का रिजल्ट कब आएगा। तो जिस तरह की जानकारियां मिल रही थी, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, और उसमें ये बोला था कि उल्टी गिनती शुरू है और आज कल में आ सकता है आपका एएनएम 2024 का रिजल्ट। तो जी हाँ, आज एएनएम 2024 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे इसकी जानकारी नहीं होगी। तो किस तरह से रिजल्ट देखना है हम वो भी बताएंगे इसमें, और इसमें पदों की संख्या क्या है और उसी के बेस पर आपका जो है वो कट ऑफ क्या रह सकता है, इसका भी हम जो है वो बताने का प्रयास करेंगे, जितनी भी जानकारी हमारे पास है अवेलेबल। और कुछ हम और बात करेंगे कि इस रिजल्ट में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसको जो है वो खास बना रही हैं। तो चलिए, पीएनएसटी आपका एएनएम 2024 का रिजल्ट आज आ चुका है, और रिजल्ट को आप किस तरह से देखें, तो देखने की बहुत ही सरल विधि है। और आपको करना क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की संस्था है जिसने एग्जाम लिया था आपका ईएसबी, तो ईएसबी की वेबसाइट में आपको जाना है और आपको कुछ चीजें ले जाना है वहां पे जब रिजल्ट देखने जाए, जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपका 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर है उसको ले जाना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए कि किस डेट मंथ और ईयर, इसी तरह से आपकी माँ के लेटर भी उसमें डालने होंगे रिजल्ट खोलने के लिए, और अपने आधार कार्ड को भी ले जाना है आपको, क्योंकि आधार कार्ड के जो लास्ट 4 नंबर हैं वो आपको डालने होंगे। तो करना क्या होगा, पहले आप ईएसबी की वेबसाइट में जाएंगे आप और उसको खोलेंगे, तो उसमें आपको एक विकल्प मिलेगा एएनएम रिजल्ट 2024, उसको आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके पास एक बॉक्स वाले कुछ सिस्टम आएंगे बने होंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन नंबर मिला है तो उसको आपको डालना है, बॉक्स बने हुए हैं। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले डेट डालना है, जैसे कि आपकी डेट 1 जनवरी है तो 01 2 अंक बना के डालना है, तो पहले डेट डालना है, उसके बाद फिर 2 अंक आपके जो मंथ के डालना है, और फिर लास्ट अंक जो है वो आपके ईयर के होंगे। इसी तरह से माँ के नाम का जो इंग्लिश है उसमें 2 लेटर आपको लेना है शुरू के, और कैपिटल लेटर में जो उसको भरना है, और अंत में आपको जो क्या करना है, तो आपका जो आधार कार्ड है तो उसके जो लास्ट के आपके 4 डिजिट हैं उसको आपको डालना है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा और उसमें आपको सभी जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं आपके, और उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपके घटे हैं या बढ़े हैं, और सभी सब्जेक्टों में आपका जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका इंग्लिश और जीके, तो इनमें आपने कितने कितने नंबर 20 नंबर में मिले हैं आपको, और आपकी एक ओवरऑल रैंक आएगी, और एक आपकी जो है वो यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कैटेगरी रैंक भी आएगी। तो यही कैटेगरी रैंक ही आपको जो है वो सिलेक्शन डिसाइड करेगी कि कितनी सीटें हैं और आपकी कैटेगरी क्या है, तो क्या आपको जो है वो कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे हम बता दें कि जो आपका एएनएम है तो उसमें आपके 2 तरह के कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में आपके, एक तो कुछ सरकारी कॉलेज हैं उसमें, यदि सीटों की संख्या कम है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी के सहित कॉलेज बाई कॉलेज बताने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे कॉलेज आपके जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि लगभग 100 से अधिक आपके जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं जो एएनएम का एग्जाम, एएनएम की जो है वो कोर्स कराते हैं। तो अब तो ये रही आपकी कि आप जल्दी जल्दी रिजल्ट देखिए, और कट ऑफ हम अभी आप बताने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि पदों की संख्या अभी निश्चित नहीं है, हम थोड़ा सा सर्च करेंगे इसके बारे में। और सरकारी कॉलेज में आपके गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं आपकी एएनएम की, इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजों में कितनी सीटें हैं, और उन्हीं सीटों के आधार पर हम जो है वो आपका रैंक लेकर के और आपको जो है वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है, आपका को कॉलेज मिलने की कितनी संभावना है, आपको कौन किस तरह कॉलेज मिल रहा है, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आपको या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांस हैं।
तो अगले वीडियो में हम बताने जाएंगे, बहुत जल्दी हम इसको सर्च करेंगे, जैसे ही हम ये वीडियो खत्म करेंगे उसके बाद अपना सर्च शुरू कर देंगे, और सीटों की संख्या और आपकी जो है वो रैंक, तो इन दोनों के आधार पर हम जो है स्पष्ट कट ऑफ निकालेंगे। और इसके लिए हमको बहुत सारे बच्चों ने नंबर भेजना शुरू कर दिया है, बहुत से मोबाइल हमारे पास आ रहे हैं, अभी एरोप्लेन जोन में लगा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे होंगे। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि क्या जाएगा कट ऑफ, इसके लिए हमारे पास जो जानकारी होनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आप लोगों के स्कोर कार्ड है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपका 930-281-2239। तो इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप चलता है, तो इस नंबर पे आप अपना स्कोर कार्ड और अपना थोड़ा सा विवरण, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये तमाम जानकारी आप हमको जो है वो भेजते हैं, तो इसके बाद हम जो है वो आपका कट ऑफ बताने में सक्षम होंगे। लेकिन जैसा देखने में आया हमने, क्योंकि हमने लगभग आपका 7 से लेकर के आपका 9 सितंबर तक ये एग्जाम हुआ 2024 में, और मैं हर सेंटर में गया हूँ और मैंने बच्चों से बात की है, तो मुख्य रूप से ये देखने में आया है कि जो लेवल आपके MP PNST के पेपर का था, ठीक वही लेवल आपका जो है वो NM का था, कोई लेवल में कोई कमी नहीं थी। तो कितने रैंक तक जा सकता है, कुछ हमने बच्चों से नंबर भी लिए, नंबर भी पूछे हमने, उससे कुछ हमने वीडियो भी बनाए हैं, उन वीडियो को भी आप देख करके अंदाज कर सकते हैं कि कितने एवरेज नंबर पे हमको जो है वो कॉलेज मिल सकता है। तो निसंदेह रूप से जिस तरह की जानकारी हमें थोड़ी बहुत है अभी कि इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें NM की सीटें जो है काफ़ी कम सीटें हैं, हम रिसर्च करके आपको बताएंगे जल्दी ही, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में काफ़ी मात्रा में सीटें हैं और ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज आपके जो है NM का कोर्स करवा रहे हैं, तो सीटों की संख्या यहाँ पे अधिक है। तो कितने नंबरों तक, अब नंबर की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास रैंक होगी, तो कितने रैंक तक आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कितने रैंक तक आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, ये हम अगले वीडियो में बताने का पूरा प्रयास करेंगे, एक सटीक जानकारी देंगे और एनालिसिस के आधार पर हमारी जानकारी होगी, हजारों बच्चियों के हम जो है वो नंबर देखेंगे, उनकी रैंक देखेंगे कि किस तरह से औसत अंक मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम ये सटीक जानकारी आपको देंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं, जी हाँ पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो शीघ्र ही हम कट ऑफ देने वाले हैं इसमें और बहुत सटीक जानकारी देंगे हम, तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो नंबरों की जानकारी है, आपका स्कोर कार्ड है, अधिक से अधिक बच्चे हमको भेज सकें, ताकि हम जो एक सटीक आपका एनालिसिस कर सकें कि आपके कितने रैंक तक आपको जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो विदा नहीं ले रहा हूँ, इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ, तो अगला वीडियो हमारा बहुत जल्दी होगा, हो सकता है हम रात के ही वीडियो बना दें, तो आप इसको देखिएगा जरूर। और जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो PNST है और आपका NM है, दोनों की काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डेट का अंतर नहीं होगा, लगभग आस पास डेट में ही दोनों काउंसलिंग होगी। तो इसकी काउंसलिंग, NM की काउंसलिंग कब तक हो सकती है, क्या संभावना है इसकी, इस बात पर भी मैं आपसे बातें करूँगा। तो चलिए अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। मैं RK सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश।